तोहफा हमने स्टार्ट किया था जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी 5th of June को. दिस इज अवर सेकेंड तोहफा वी आर डूइंग दिस ईयर. खाना बांटते हैं, विंटर ड्राइव पे ब्लैंकेट ड्राइव करते हैं, हर ओकेजन के हिसाब से हम सारी चीज़ें करते हैं. जब अभी पावर हाउस में एक ब्लास्ट हुआ होगा आपको पता होगा, उस ब्लास्ट में जो ब्रेकफास्ट था वो हमारे एनजीओ की तरफ से गया था, वो मैं बनाती थी और मैं सुकून के लिए खाना बनाती. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीपक सोनी व्लॉग. स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में. इस नए वीडियो में मैं आपके लिए क्या नया लेके आया हूँ उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे. चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग. आज के व्लॉग में मैं सोचा कि क्या खास लेके आऊँ आप लोगों के लिए, तो फिर मेरे को एक ना पता चला कहीं से या खबर मिली कि 25 तारीख है, आज क्रिसमस डे है, आप सबको मेरी क्रिसमस. और साथ में बताऊं तो आज के दिन ना भिलाई में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है एक तरीके का फेस्ट है, ये फूड फेस्ट टाइप का. और इसका जो जरिया है ना वो कुछ कारण दूसरा है इसका. जैसे कि बताऊं तो ये जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ना, एक एनजीओ है जो कि एनआईटी कॉलेज के बच्चे चलाते हैं जिसका नाम है सुकून एक जरिया करके. और 4-5 बच्चों ने मिलकर इसको बहुत सालों पहले, मतलब बोल सकते हो कि 6-7 साल पहले चालू किया था. अब उसको कंटिन्यू करते हुए इन लोगों ने एक फूड फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है, जिससे कि जो गरीब बच्चे होते हैं ना, जैसे आप लोग सीसी जाते होगे तो बहुत लोग आप लोगों से आके जो भीख मांगते हैं ना, तो एक तरीके से भीख नहीं, एक तरीके से गिफ्ट दिया जा रहा है. क्रिसमस में अपन एक दूसरे को सबको गिफ्ट देते रहते हैं ना, तो वैसे ही समझ लो कि ये जो सुकून एक जरिया है वो सेंटा क्लॉज बन गया है और वो जो गरीबों के लिए गिफ्ट दिया जा रहा है. इसलिए यहाँ पर जो टिकट रखा गया है ना वो 50 रुपये रखा गया है पर पर्सन. 50 रुपये में आप लोगों का जो आधा पैसा है ना वो इन गरीब बच्चों को जाएगा और बाकी आप लोग यहाँ पे डीजे नाइट इन्जॉय कर सकते हो. ये सब चीज़ का फैसिलिटी आज के दिन है जो कि 25 तारीख है ये. चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ खास रहेगा और क्या कुछ नया देखने को मिलता है अपने को. इसके एड्रेस की बात करूँ तो आप लोगों को ये पड़ता है हाईटेक हॉस्पिटल के जस्ट पीछे तरफ में, जो फैट क्लब करके एक ग्राउंड है वहाँ पर आप लोगों को पड़ जाएगा ये एड्रेस. और जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है तोहफा 2.0 बोलते हैं इसको, और यहाँ से आप लोगों को टिकट लेना है जो कि अपना बोल सकते हो पासेस है. 100 रुपये इसकी प्राइस है और आज ही के लिए है ये, कल की डेट में नहीं होगा. अब यहाँ से एंटर करेंगे अंदर और देखते हैं कि क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं, प्लस डीजे नाइट भी होगा यहाँ पे और क्रिसमस सेलिब्रेशन एक तरीके से किया जा रहा है. अंदर चलते हैं देखते हैं क्या कुछ खास रहेगा. जैसे ही आप लोग एंटर करते हो तो ब्यूटीफुल एकदम बेहतरीन टाइप का डेकोरेशन देखने को मिलता है. अंदर भी जो भी स्टॉल है ना, मैं अभी देख के ही आया हूँ, अंदर भी स्टॉल अच्छे खासे मिल जा रहे हैं आप लोगों को. प्लस यहाँ पे बैंड भी है जो कि बजना चालू हो गया है अभी धीरे से. और क्या क्या है अंदर चल के सब एक एक करके देखते हैं. ये जो तोहफा 2.0 रखा गया है, मतलब 2022 में ये लास्ट है, मतलब समझ लो अभी कुछ दिन में न्यू ईयर चालू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से यहाँ से चालू होता है. तो फैट क्लब जो है ना हाईटेक हॉस्पिटल के पीछे, उसका एक ग्राउंड है जहाँ पे पूरा फूड फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया गया है और भी न्यू ईयर के पार्टीज वगैरह भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 के लिए. यहाँ से देख सकते हो आप लोग, ये खुद का फैट क्लब का ना अपना खुद का एक न्यू ईयर ब्लास्ट चालू करेंगे इन लोग, जो 31 दिसंबर को होने वाला है 4 PM ऑनवर्ड्स. जो कि टिकट आप लोगों को प्राइस दिखा देता हूँ यहाँ पे. प्राइस की बात करूँ तो स्टेज 2000, 1 गोल्डन कार्ड प्लस 1 सिल्वर कार्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ है. कपल फैमिली इसके लिए प्राइस इसमें है, जहाँ पे आप लोगों को डीजे भी मिल जाएगा प्लस अच्छा खासा ग्राउंड भी मिल जाएगा. अगर आप लोगों को न्यू ईयर बनाना है तो आप लोग यहाँ भी आ सकते हो. बाकी इनका जो तैयारी है कुछ इस टाइप का है, कैफे का सिटिंग स्पेस भी मिल जाता है अच्छा खासा, और न्यू ईयर के समय के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के लिए पार्टी के लिए. जैसे ही एंटर करते हैं यहाँ पे आप लोगों को फूड स्टॉल दिखना चालू हो जाएंगे. जो पहला ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आप लोगों को टोटल मैं बताऊँ तो 20 से 25 यहाँ पे फूड स्टॉल दिख जाते हैं. एक एक करके दिखाता हूँ कि क्या क्या है. और सामने स्टेज भी दिख रहा है जहाँ पे बैंड बजना चालू हो गया है. और एक ना यहाँ पे सबसे स्पेशल चीज़ आया है जो छत्तीसगढ़ का पहला कारवा है. जैसे आप लोग कहीं अगर पिकनिक स्पॉट या फिर कॉलेज स्टूडेंट मिल के घूमने जाते हैं ना माउंटेन हिल्स तरफ में, तो उस टाइप का यहाँ पे ना एक सिस्टम है वो दिखाऊंगा आप लोगों को, जिसको आप लोग बाई कर सकते हो. तो आप लोगों को जो पहला फूड स्टॉल स्पेस मिलता है वो कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे आप लोगों को मोमोस और बहुत सारे कैटेगरी के टैटू स्टूडियो वाले भी अपना स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पे. और ये कुछ स्केच और आर्ट्स वाला स्टॉल है जहाँ से आप लोग कुछ अगर बाई करना चाहो कप वगैरह तो ये बाई कर सकते हो. और उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को टैटू का मिलता है, टैटू और कुछ ऑर्नामेंट्स है जो बाई कर सकते हो आप लोग. और यहाँ पे स्केच का भी है जहाँ पे ऑयल पेंटिंग वगैरह का, देखो कितना अच्छा अच्छा आर्ट यहाँ पे बना के रखा गया है. उसके बाद यहाँ पे ये क्या है यार, 21 सेकेंड में पैसा डबल. ये स्टॉल अभी चालू नहीं हुआ है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है. उसके बाद यहाँ पे है अपना अपनी रसोई करके, कुछ एक नॉनवेज और नॉनवेज आइटम ही है ना अपने यहाँ. क्या क्या है नॉनवेज में? अच्छा बारबेक्यू भी है और ऑयल मतलब चिल्ली वगैरह भी है. अपना कहीं स्टॉल है क्या? अच्छा इन फ्यूचर प्लान्ड, अभी क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट चल रहा है.
उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को कैफे तंदूर मिल जाता है, जहाँ पे बिरयानी का ऑप्शन है और कुछ चिकन चिल्ली, चिकन पकौड़ा वगैरह बनाया जा रहा है। यहाँ मित्रा दे कुलचे वाले भी अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, जो कि अपना तवा कुलचा वाला है ना, जो वीडियो देखे हो गए आप, मैं बनाया हूँ यहाँ का, तो वो स्टॉल भी यहाँ लगा हुआ है। अच्छा, नॉन अल्कोहलिक बियर, कितनी वैरायटी है इसमें? 6 वेरिएंट आते हैं इसमें। अच्छा, 6 वेरिएंट आता है। तो बेस्ट रहता है हमारा क्रैनबेरी। क्रैनबेरी बेस्ट है ना? हाँ। तो आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हो, बहुत बेटर है ये। क्या नाम से है ये अपना? कुलबक के नाम से है। बिलाई में कहाँ है ये? बिलाई में सब आउटलेट्स में मिलता है। अच्छा, आउटलेट्स में मिलता है। एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप यहाँ पे, है ना, और सेल भी कर रहे हैं। तो ये है अमृतुल्य, आप लोग देखे होंगे जगह जगह भी आप लोगों को छत्तीसगढ़ में इसका स्टॉल दिख ही जाता है। हर 1 किलोमीटर की दूर में अमृतुल्य स्टॉल आप लोगों को मिल जाता है, और आप लोग इसका चाय ट्राई भी किए होंगे। और ये है अपना चार्ली मोमोज वाले, जो कि अपना स्टॉल लगाए हुए हैं यहाँ पे, वेज और नॉन वेज कैटेगरी में दोनों में है। मोमोज भी मिल जाएगा और अपना बारबेक्यू आइटम भी है, चिकन जो हरियाली मिलता है वो भी है। उसके बाद यहाँ पे है अपना वड़ा पाव वगैरह का, मतलब कुछ कॉन्टिनेंटल आइटम्स है, दाबेली, वड़ा पाव, सैंडविच, उसके भी स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, जो कि आप ट्राई कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था ना, तोहफा 2.0 के जो ऑर्गेनाइजर है, या फिर बोल सकते हो जो एनजीओ रन कर रहे हैं, मैम आपका नाम बताइए सबसे पहले। जोशी। और मैम ये क्या है तोहफा, है बताएंगे थोड़ा सा? तोहफा हमने स्टार्ट किया था जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हुई थी 5th of June को। दिस इज़ अवर सेकेंड तोहफा वी आर डूइंग दिस ईयर, और इसमें कुछ फ़ोटोज़, कुछ डिटेल्स हैं जो हम जो चीज़ें करते हैं, खाना बांटते हैं, विंटर ड्राइव पे ब्लैंकेट ड्राइव करते हैं, हर ओकेजन के हिसाब से हम सारी चीज़ें करते हैं। जब अभी पावर हाउस में एक ब्लास्ट हुआ होगा, आपको पता होगा, उस ब्लास्ट में जो ब्रेकफास्ट था वो हमारे एनजीओ की तरफ से गया था, वो मैं बनाती थी, और मैं सुकून के लिए खाना बनाती हूँ। जो भी पर्सन होंगे इसमें, कितने मेंबर्स होंगे आपके जो सुकून एक जरिया? 17 प्लस है। और बिलाई वालों को जुड़ने के लिए कुछ बताइए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और आप वहाँ से हमें रीच कर सकते हैं टू जॉइन अस। और ये जो स्टॉल लगा है इसके बारे में बताइए कुछ। ये सुकून के डोनेशन के लिए स्टॉल लगा है। आप यहाँ से बबल ट्राई किए, कुछ भी चार्जेबल नहीं है, बट आपको जो भी अपनी मर्जी से डोनेट करना है आप इस बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा है, आपका बस स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे, जिसको जो चाहिए रहेगा आप डाल सकते हो। अभी तक काम किया है उसकी कुछ छोटी मोटी फोटोज हैं जो हमने इसमें क्लिक करके पोर्टफोलियो बोल सकते हैं आप इसे हमारा। ये हमने बच्चों के साथ चिल्ड्रन पार्टी 2 बार मना चुके हैं हम, उनके साथ चिल्ड्रंस डे मना चुके हैं। एक बार हम सारे मॉडल टाउन के बच्चों को लेके फैट क्लब गए थे, जो कि बच्चे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स जाके जो चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं। अच्छा। वो हमने उनको करवाई थी। और फिर एक बार हमने उनके लिए पिज्ज़ा ड्राइव किया था इन बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, दिवाली ड्राइव करते हैं जिसमें हम उनके लिए गुडीज, फूड पैकेज, जो अच्छा बच्चों के लिए करते हैं कि सभी के लिए। जो हमें दिवाली पे, रीसेंट दिवाली पे हमने उनको 5 दिन तक लगातार 3 टाइम का खाना बना के पहुंचाया है, क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं था। वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लाया है और बहुत अच्छा लगा सुन के। और इसके बारे में पता मेरे को बहुत पहले भी चल चुका था, जब फूड फेस्ट हुआ था ना, लोकल फूड फेस्ट, तब मुझे उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। आज देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है। ये जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लाया है ना, और ये जो ऑर्गेनाइज कराए हो, इससे लोगों को ना जागरूकता फैलेगा कि तोहफा नाम से भी कुछ है अपने भिलाई में। तो जिस मैं कारवा की बात कर रहा था, रोड लैमरल के नाम से फेमस है वो, फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों को दिखाता हूँ कि वो ट्रक, या फिर बोल सकते हो जो बोप काट है, वो कैसा दिखता है आप लोगों को। कुछ इस तरीके से है, छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम ये लॉन्च किया गया है ना, एक तरीके से कारवा बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या क्या फैसिलिटी है? 3 लोगों का स्लीपिंग एरिया है अंदर में। अच्छा, म्यूजिक सिस्टम, लाइटिंग सब, और ऊपर भी है। इसका क्या प्राइस पड़ता होगा? ये 10,000 रुपए पर डे का चार्ज है, जिसमें हम साथ में एक व्हीकल भी देते हैं अटैचमेंट। और जिसको पूरा परचेस ही करना है? तो परचेस नहीं, हम सेल नहीं करते। अच्छा, मतलब एक तरीके से रेंट पे देते हैं आप? जी, जी। क्या 10,000 रुपए पर डे है? पर डे पूरा ये सेटअप देते हैं कैंपिंग का, 3 पर्सन का, ऊपर सोने का है, आप देख सकते हो ऊपर जाकर। छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा चलेगा ये, क्योंकि अपना बस्तर वस्तर एरिया में घूमने जाते ही ये लोग, और उनको बहुत ज्यादा हेल्प होगा इससे। करेक्ट। इसको आप अपने कार के पीछे बांध के ले जा सकते हो ना? नहीं, हम एक साथ में व्हीकल देंगे। अच्छा, व्हीकल देते हो आप? यस, ड्राइवर के साथ में। ये कहाँ पर है भिलाई में? ये स्मृति नगर में। अच्छा, स्मृति नगर में इसका ऑफिस है, जहाँ से आप बुक कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर भी है क्या कुछ? कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। 7974-959-067। तो आप लोगों को अगर जरूरत पड़े कॉलेज वालों को, तो इसको बुक कर सकते हो। बहुत अच्छा ऑप्शन है और मस्त एकदम एंजॉय कर सकते हो आप लोग। इसमें नाइट आउट भी हो जाएगा और बढ़िया अच्छा खासा किचन सेटअप भी है इनका पूरा।
पूरा कैंपिंग का सेटअप है जो कि रोड रैम्बलर की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये सब कैंप भी है, टेंट भी बना हुआ है, मतलब टेंट आप लोग यहाँ से, ये भी रेंट पे जाएगा, ये भी रेंट पे ले सकते हैं, बिल्कुल रेंट पे ले सकते हैं, ये भी रेंट पे ले सकते हैं। ये पहली बार भिलाई में आप लोगों को किसी फूड फेस्ट में देखने को मिल रहा है, तो रेंट पे लेना हो तो कॉन्टेक्ट नंबर मैं लिंक पे दे दूंगा, या फिर बोल सकते हो स्क्रीन में भी आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको रेंट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे बिस्ट्रो कैफे का भी स्टॉल लगा हुआ है, ये जो फूड स्टॉल पार्ट टू है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को 10 से 15 स्टॉल मिल जाएगा अच्छा खासा, और यहाँ पे आप लोगों को क्रिसमस के लिए केक भी यहाँ पे सेल किया जा रहा है। तो मैम आपका सबसे पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम यति है, ये मतलब मेरी होम बेकरी गंजपाड़ा में है, दुर्ग में। अच्छा, गंजपाड़ा से हैं आप, और भिलाई में स्टॉल लगाया उस बार, पूरा केक का आइटम है, पूरा बेकरी केक का, ये होम बेस चला रहे हैं कि कुछ शॉप भी है, होम मेकिंग है अपना। क्या क्या खास है इसमें? ब्राउनीज है, ये क्रिसमस स्पेशल प्लम केक है, ये टार्ट है, डोनट्स, बेकरी आइटम में वैरायटी लेके आए हो आप। तो आप लोगों को अगर केक एंजॉय करना है क्रिसमस के समय, तो यहाँ से आप लोग केक भी खा सकते हो, और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन है, डोनट्स भी है और डोनट में वैरायटी भी है इनके पास में। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे है पेट पूजा की तरफ से भी स्टॉल लगाया गया है, और रीजनेबल प्राइस में आप लोगों को चाइनीज आइटम प्योर वेज कैटेगरी में। बेसिकली ये महाराष्ट्रियन स्टाइल स्टॉल है, यहाँ पे क्या क्या खास दे रहे हो आप? एक गोल्डन सूप है और वड़ा पाव के अलग अलग वैरायटीज हैं। इसका स्टॉल कहीं है भिलाई में? नहीं, ये क्लाउड किचन है। क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट में चला रहे हो, जोमेटो स्विगी में अवेलेबल रहेगा, किस नाम से? नहीं, जोमेटो स्विगी पे नहीं है। ना क्या नाम से है? टुडे स्पेशल। टुडे स्पेशल नाम से है, किस में मिल जाएगा अपने को ये? नहीं, ये डायरेक्टली ये कॉल पे आपको, मतलब नंबर बता दीजिए, 9340921559। इस नंबर से आप लोग कॉन्टेक्ट करके वड़ा पाव भी इंजॉय करना चाहते हो ना, तो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट है इसका, तो यहाँ से मंगा सकते हो आप लोग। तो मैम सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम कथा सान्याल है। और आपका क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट किस नाम से? आहार फूड बुटीक। आहार फूड बुटीक करके। और इसके लिए कुछ किसी को अगर ऑर्डर करना है, क्योंकि आप दे रहे हो ऑथेंटिक बंगाली क्विजीन, वेज और नॉन वेज दोनों कैटेगरी में, बल्क ऑर्डर भी लेते हो, सिंगल पर्सन का भी ऑर्डर लेते हो, उसके लिए कुछ बताइए क्या है खासियत? सो बेसिकली हम लोग जाने माने बंगाली कुजिन्स प्रोवाइड करते हैं, और हम लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट है कि वी टेक ऑर्डर्स इन प्री ऑर्डर बेसिस, क्योंकि वी प्रोवाइड फ्रेश फूड। तो अगर हम लोगों को फ्रेश फूड देना है, तो फिर पहले से ही एकदम पहले से हम लोग तैयारी करके रखते हैं, ताकि हम लोग जितना भी ऑथेंटिक और जितना भी फ्रेश फूड हम लोग प्रोवाइड कर सके ऐसे करके। तो इसलिए बंदे को ऑर्डर करना है, वो अपना क्वांटिटी बता दे आपको, उसके हिसाब से आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड बना के देते हो उनको, और अच्छे तरीके से सर्व करते हो प्री ऑर्डर के बेसिस में। लाइक प्री ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर लंच चाहिए तो पिछले पहले दिन हमको बता दीजिए, या अगर बल्क ऑर्डर चाहिए तो एटलीस्ट 3 to 4 days पहले बता दीजिए, तो इट विल बी मच मोर बेटर फॉर अस टू प्रोवाइड द फूड एज वेल एज दे कैन एंजॉय एज वेल। उसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए, इट इज 8607221234। ऑथेंटिक बंगाली क्विजीन अगर आप लोगों को टेस्ट करना है वेज और नॉन वेज कैटेगरी में, तो आप लोग इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन में भी मैं आप लोगों को नंबर दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों को हेल्प हो जाए। और ये जो आहार फूड बुटीक है अपना रिसाली का है ना? तो मैं फूड फेस्ट इवेंट से बाहर आ गया हूँ, और बोल सकता हूँ कि फूड फेस्ट जो इवेंट कराया गया ना, ये बहुत ही अच्छे कैटेगरी में था, पर जो बोलते हैं ना कि एकदम भव्य टाइप में कराया जाने वाला फूड फेस्ट, वैसा नहीं था, मतलब नॉर्मल कैटेगरी में स्टॉल लगे हुए थे, सब अपना अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। बाकी जो मुहिम चलाया गया है ना, तोहफा 2.0, जो गरीब बच्चों का मदद, या फिर उनको भीख ना बोल के एक तरीके से तोहफा दिया जा रहा है आज के दिन, वो भी क्रिसमस वाले दिन, तो ये बहुत अच्छा मुहिम है, और इसको सपोर्ट करना चाहिए भिलाई वाले लोगों को। तो आप लोगों का सपोर्ट करना बनता है, सपोर्ट ऐसे होगा कि आप लोग जाओगे, विजिट करोगे, पास लोगे, पास का कुछ हिस्सा वहाँ जाएगा, आप लोगों का इन्जॉयमेंट भी हो जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना कि आप लोगों में से कौन कौन गया था और यहाँ का इन्जॉय किया हो, और एक तरीके से दान पुण्य करके आए हो। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलना कि आप लोगों में से कौन कौन गया था। मिलते हैं अगले ब्लॉग में ऐसे ही किसी अच्छे लोकेशन के साथ में।